वेलकम टू अच्छे दिन। फिल्म ट्यूजडे एंड फ्राइडे से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अनमोल ठाकरिया उन आइकॉनिक स्टार किड स्लैब्स में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में किसी पहचान के मोहताज नहीं, मगर फिर भी हम आपको इस वीडियो में उनकी लाइफ और करियर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले अनमोल ठाकरिया एक ट्रेंड एक्टर हैं। बचपन से ही एक्टर बनने का ड्रीम रखने वाले पढ़ाई व ट्रेवलिंग के शौकीन अनमोल की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से संबंध व डांसिंग में रुचि होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक्टिंग में ट्रेंड किया, इसलिए बचपन से ही एक्टिंग अनमोल का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही हैंडसम 25 वर्षीय अनमोल का जन्म 4 अप्रैल 1996 को मुंबई के फेमस बॉलीवुड फैमिली में हुआ, जिनके फादर अशोक ठाकरिया एक फिल्म प्रोड्यूसर जबकि मदर पूनम ढिल्लों एक्ट्रेस व फैमिली में इकलौती सिस्टर पलामा के ब्रदर। अनमोल टीनेज से ही अपने ड्रीम के चलते डांसिंग व एक्टिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। नंबर 3, बॉलीवुड से फैमिली रूट होने की वजह से स्कूलिंग के चलते अनमोल के पेरेंट्स द्वारा उनके एक्टिंग करियर को प्रायोरिटी नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउन यूएसए से मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद बचपन से ही फिल्म सेट पर बड़े हुए अनमोल ने एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, जो आज बॉलीवुड के यंग स्लैब्स में से एक है। नंबर 4, बचपन से ही डांस के शौकीन अनमोल ने पढ़ाई के बाद रियलाइज किया कि एक एक्टर को एक्टिंग के साथ साथ डांस भी करना आना चाहिए, इसलिए अनमोल ने मार्शल आर्ट और डांसिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर अपनी मेहनत और टैलेंट से डांस भी सीखा। अनमोल अपने डांस को लेकर बहुत पैशनेट रहे, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, परिणाम स्वरूप अनमोल आज एक ट्रेंड डांसर है। नंबर 5, अनमोल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ट्यूजडे एंड फ्राइडे से किया। फिल्म में उन्हें लीड रोल एक्टिंग करते हुए देखा गया, जहां वह वरुण के कैरेक्टर में नजर आए। ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक बहुत ही शानदार रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में उनकी जटालिका मल्होत्रा के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। जटालिका के साथ उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा अनमोल एक फ्यूचर स्टार एक्टर है, और बहुत से फैंस आज उन्हें वरुण के कैरेक्टर से जानने लगे हैं। अनमोल ट्यूजडे एंड फ्राइडे में वरुण के कैरेक्टर में कैसे लगे वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 6, रणवीर कपूर से इंस्पायर ऋतिक रोशन को अपना आइडल मानने वाले अनमोल का मानना है कि ऋतिक एक कंप्लीट एक्टर है। उनकी एक्टिंग, उनकी डांसिंग, उनके स्टंट, उनमें कई ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें अन्य एक्टर से अलग बनाते हैं। अनमोल ऋतिक को टीनेज से आइडियलाइज करते हैं, जब अनमोल एक स्टूडेंट हुआ करते थे और उनकी जर्नी से अपने आप को कोरिलेट करते थे। अनमोल का कहना है कि ऋतिक ने अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर इतना सब कुछ अचीव किया, तो फिर मैं क्यों नहीं, जो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नंबर 7, फिटनेस फ्रीक अनमोल अपनी बॉडी का विशेष ख्याल रखते हैं। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वह डेली जिम में पसीना बहाते हैं, स्विमिंग, रनिंग व साइकिलिंग करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जेटिक रहने में बेनिफिट मिलता है। नंबर 8, घूमने फिरने व ट्रेवलिंग के शौकीन अनमोल न्यूयॉर्क को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन व स्ट्रेस बस्टर मानते हैं। जब भी उनके पास समय होता है अनमोल वहाँ छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। नंबर 9, अपने ड्रीम के चलते एक्टिंग और डांसिंग के साथ साथ पढ़ने लिखने के शौकीन अनमोल रियल लाइफ में कंप्लीट बुक वार्म एक्टर है, जिन्हें अक्सर लव स्टोरी जैसी बुक्स पढ़ते देखा जाता है। नंबर 10, स्टार किड्स के बावजूद अनमोल का 100% अपने करियर पर फोकस है, जिनका इंडस्ट्रीज में अब तक कोई सीरियस रिलेशन नहीं, इसलिए वह सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मगर वास्तविकता तो अनमोल ही जाने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको अनमोल अपने डेब्यू फिल्म में कैसे लगे। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं, हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यू ऐड करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह वीडियो का एंड हुआ। ऐसी और भी इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।